नमस्कार यार, आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। नया वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, माता जी का जो मूर्ति है वो अभी अनकम्प्लीट है और जी भी मूर्ति बन रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो, धूप में इनको सुखाया जा रहा है और साथ ही साथ इनके साथ जो आप देख सकते हो टाइगर का रूप है, शेर का सवारी माँ शेरावाली। और हम दादाजी से बात करेंगे जो अभी अपने काम में थोड़ा व्यस्त हैं, और उनसे बताएंगे, पूछेंगे कि ये मूर्ति आप कितने दिन से बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पेंटिंग वाला काम अभी बचा है और ये बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है। तो देख सकते हो आप, जैसे कि ये पेंटिंग चल रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दादाजी के कामों से। जैसे आप देख सकते हो, बहुत सफाई से ये काम चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक सफाई देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मूर्ति जो है बहुत मेहनतों से बनता है। और मेहनत के साथ साथ जो काम लगता है, जो दिन और रात करके एक करके ये मूर्ति निर्माण होता है, उसका एक अलग ही पहचान होता है। तो जैसे आप देख सकते हो, जो वाइट पुट्टी जो डला हुआ है बिरला वाइट का, उससे एक फिनिशिंग आता है कलर पे, और कलर पे एक अलग ही निखार आता है। जैसे कि ये पेंट देख सकते हो, ये वाला जो पेंट है वो यूज़ होता है, और कलर बहुत ही अच्छा पक्का कलर होता है, जो कि बहुत ही पकड़ के साथ मिट्टी पे चिपकता है और एक अलग ही लाइट प्रदान करता है। और जैसे आप देख सकते हो दादाजी के साथ में। तो दोस्तों, हम दादाजी से बात करेंगे और पूछेंगे उनको कि उनका काम कितने सालों से चल रहा है। तो दादाजी, आपका शुभ नाम बताइए पहले। शंकर लाल चक्रधारी जी। और आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं दादाजी? ये तो मैं अपने पिताजी के साथ से कम 30 साल से काम कर रहा हूँ। 30 साल से काम कर रहे हो। अभी आपका उम्र कितना है? 62 का है। 30 साल से अपनी आधा उम्र से मतलब ये काम प्रारंभ किए हुए हैं। 30 से ऊपर भी हो गया। हाँ, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आप मूर्ति है, तो ये मूर्ति का आप कितना कीमत रखे हो, जैसे सेल करेंगे तो? फिर बस 5,000 फीट का। और आपके पास कितना फीट का मूर्ति है जो आप देख सकते हैं? अभी 5 फीट से लेकर मतलब 6 फीट तक। 6 फीट तक का। तो ये जो सेम 5 फीट का जो हाइट के है, वो सबका प्राइस सेम है 5,000 का? ये जो दो मूर्ति और दिख रहे हैं, ये उनका भी सेम है? और 6 फीट का वो 7,500 का जो सामने रखा हुआ है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो आपका एड्रेस बता दो दादा, कहाँ रहते हो, कैसे? हाँ, ग्राम पांडुका, पोस्ट पांडुका, जिला गरियाबंद। हाँ, और बहुत ही मेहनत से ये, तो आपके साथ घर वालों भी आपको सपोर्ट करते हैं जैसे बनाने के लिए? बीबी बच्चे सभी मतलब काम करने लगते हैं, तभी हो पाता है। अच्छा अच्छा हाँ, क्या है ये मेहनत वाले काम है बहुत ज़्यादा। और इसमें मिट्टी कौन से यूज़ करते हो? मिट्टी तो मतलब कोई भी मिट्टी, मतलब इसके पहले तो उसको पैरा से बांधते हैं। हाँ, हाँ। पैरा से बांधने के बाद उसको पेरावसी और इसी मिट्टी से मतलब बनाते हैं, उसके बाद फिनिशिंग मिट्टी ने। हाँ हाँ, उसको आटा चन्नी में छान कर बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं मिट्टी से जो बारीक कंकड़ है उसको निकाल कर सफाई दिया जाता है। हाँ, इसी कारण बता रहा हूँ कि आटा चन्नी में चलते हैं। आटा चन्नी बहुत बारीक होता है जो। हाँ। आटा चन्नी आप समझ सकते हो। हाँ। ऐसा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, तो जैसे दादाजी से आपने सुना और उन्हें बताया कि कितने दिनों से और कितने सालों से घर के सभी सदस्यों के साथ है ये काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये दिया और ये जो कलशा होते हैं जो माता जी के नवरात्रि के टाइम जो स्टार्ट होते हैं उसमें काम आते हैं, इसको भी दिखाएंगे। हाँ, इसको भी दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक जी, बिल्कुल। और ये वाला मूर्ति जो 6 फीट का है, 6 फीट का, और इस 6.5 फीट तक आए। और ये राक्षस वाला है, और ये अभी पेंटिंग नहीं हुआ है। अगर पेंटिंग होता तो एक अलग ही अनोखा रूप देखने को मिलता। पुट्टी भर सफाई भी नहीं हुआ है। हाँ सही है। और ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाएगा दादा? ये मतलब 5 अभी तैयार करने में। हाँ, मतलब ये नवरात्रि कितने दिन? 3 दिन बचा है। 3 दिन बचा है, उसके अंतर्गत तैयार। हाँ हाँ, जैसे कि इनको ले जाने आएंगे उस दिन भी काम चलता रहेगा। हाँ, थोड़ा सिंगार का। हाँ, ऐसा है। हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, गुल्लक चिड़िया वगैरह कलश वगैरह सब। हाँ हाँ, ये सब कलाकारी मतलब बहुत टाइम से कर रहे हैं। और अभी जैसे कि गणेश पक्ष था, उसमें भी आप लोग मूर्ति बनाए? हाँ, मूर्ति बनाए। बहुत अच्छा, ये जो कलशा वगैरह ऊपर छत में दो तीन पीस बचा है। हाँ, छत में टगा के इसका भी पेंटिंग दिखाते हैं आपको। हाँ हाँ ठीक, कौन से डिजाइन से पेंट हुआ है वो। हाँ हाँ, वो हम दिखाते हैं आपको। हाँ, एक अलग ही कलाकारी
इधर कलशा देख सकते हो, मतलब पूरा रूम बर्तन से ऐसा भरा हुआ है। हाँ बहुत अच्छा जो रखे हैं। अच्छा हाँ जो ज्योति कलश वगैरह, ज्योति कलश वगैरह है, बहुत अच्छा है, देखने को मिल सकता है। इनका क्या क्या प्राइस रखते हो, जैसे ज्योति कलश वगैरह? वो इनकावन रुपये है। इनकावन रुपये, अच्छा बहुत अच्छा है। और इधर देख सकते हो चिड़िया का गुल्लक रखे हुए हैं, नारियल का है, नारियल का है। हाँ 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 धूप वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है।